हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चलने वाला है कि आखिर यूनिवर्स हमको कैसे टेस्ट करते हैं, और जब हमें यूनिवर्स टेस्ट करे तो हमको किन बातों का, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्स हमको टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी कोई भी फॉलो कर रहा है उसकी लाइफ में, कई बार टाइम टू टाइम क्या होता है, यूनिवर्स उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, उसका टेस्टिंग पीरियड चल रहा होता है। तो आखिर वो कौन से ऐसे 5 साइंस हैं जिनको जानकर आप ये पता लगा सकते हो कि यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू। यस, तो ऐसे 5 साइन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो साइन नंबर 1 कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन अचानक से है ना, सडनली ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। मतलब सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बट एकदम से उस सिचुएशन में ही आपका उस सिचुएशन का अलग से ही पलट जाना, और ऑब्स्टेकल्स आना, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होना और उस काम का रुक जाना, ठीक है, ये होता है साइन नंबर 1। साइन नंबर 2 कि जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसको लेके डेस्परेट थे, एकदम से ना आपकी डेस्परेशन सारी की सारी खराब हो जाती है, ऐसी ही हो जाती है, और आपका उस मैनिफेस्टेशन से है ना इंटरेस्ट हट जाता है। यस, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको कोई फ़ोन चाहिए था और आप उसको लेके बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे थे, सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स उसके लिए यूज़ कर दी, अफर्मेशंस दे रहे थे, वाटर थेरेपी कर रहे थे उस चीज़ के लिए, सब कुछ कर रहे थे, बट सडनली आपका जो विश से जो इंटरेस्ट है ना वो निकल जाता है कि ठीक है नहीं चाहिए, आपको कुछ और अच्छा दिखने लगता है। मतलब आपका ना गोल चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो यूनिवर्स उस टाइम भी आपको चेक कर रहे होते हैं कि अगर मैं इसको बेटर चीज़ दे दूँ। फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप अभी कोई रेडमी का फ़ोन लेना चाहते हो और एकदम से आपको आईफोन दिख जाए या सैमसंग का फ़ोन दिख जाए, तो आपका दिल अब उस सैमसंग के या फिर उस आईफोन पर आकर अटक जाएगा। तो यहाँ पर भी यूनिवर्स आपका गोल कितना मजबूत है, आपका विश्वास उनके ऊपर कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही चेक कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं हमारे साइन नंबर 3 की। यस, साइन नंबर 3 है कि अ चेंज इन योर प्लान। यस, आप कुछ चीज़ कर रहे थे, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि आप उस स्टेप को, एक स्टेप को स्किप कर देते हो, या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाते हो, या फिर आप लेजीनेस के एक फॉर्म में आ जाते हो, लेजी आलसी बन जाते हो, तो आपका एक प्लान में ना चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो गोल है, एक टाइम पीरियड जो आपने सेट किया होता है अपने गोल के लिए, आप उस टाइम पीरियड तक अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हो। सो आपको यहाँ पर है ना अपने आप को यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर देना है, सरेंडर योर सेल्फ, ठीक है, यूनिवर्स को। तो ये था हमारा साइन नंबर 3। साइन नंबर 4 इज़ कि लोग आपको जज करने लगेंगे। यस, लोग आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट तो देंगे नहीं, आपकी कमियाँ निकालने लगेंगे, तुम ऐसा कर सकते थे, तुम वैसा कर सकते थे, तुमने नहीं किया, इस तरीके की चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट्स, एज अ कॉम्प्लीमेंट जिसे हम जजमेंट कह रहे हैं, वो सुनने को मिल सकता है। सो ये क्या है? तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप जो कुछ भी आप सुन रहे हो, लोग जो भी जजमेंट पास कर रहे हैं, यू हैव टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो वो गाइडेंस जो लोग आपको बोल रहे हैं, इट इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्स, वो आपको कहना चाह रहे हैं, बट यूनिवर्स अचानक से हमें ऐसे आके नहीं बोल सकते, वो किसी के ज़रिए हमें वो सारी की सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ, ठीक है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट साइन की, जो कि है 5th साइन, साइन नंबर 5, कि आपके प्लान्स में, आपकी मैनिफेस्टेशन में ना डिले होता जाएगा। डिले कैसे होता जाएगा, इसके ऊपर ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मेरी लाइफ में मुझे कुछ चाहिए, बट उसके अंदर डिले होता जा रहा है, मतलब जनवरी से वो डिले ही चल रहा है। सब कुछ है, सब कुछ अरेंजमेंट है, बट स्टिल वो चीज़ मैं उसको कर ही नहीं पा रही हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम, कि कभी डिवाइन टाइम आएगा, क्योंकि आई हैव फेथ ऑन यूनिवर्स कि वो कर देंगे और वो होगा मेरी लाइफ में, अभी मेरे को पेशेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब आपके साथ भी सिचुएशन में डिले होने लग जाए, आपकी मैनिफेस्टेशंस में डिले होने लग जाए, सो अगर आपके साथ भी बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं सारी चीज़ें, तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइम का वेट करना है, क्योंकि मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको सरेंडर करना है अपनी सारी चीज़ों को, अपनी मैनिफेस्टेशंस को यूनिवर्स के लिए, है ना। तो जब आप सरेंडर कर दोगे तो वहाँ पर भी ये जो डिवाइन टाइमिंग का पार्ट है वो आ जाएगा। तो आपको डिवाइन टाइम का वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं देख पाते, लेकिन यूनिवर्स उन सारी चीज़ों को देख भी पाते हैं, और उस चीज़ को करने से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है उनको सब कुछ पता है, राइट। तो वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों के साथ कुछ
प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टेकल्स आए, तो वो इसलिए हमको वेट करवाते हैं। तो प्लीज़ हैव पेशेंस इसके लिए और अपने डिवाइन टाइम का आप ज़रूर वेट करें। यस, ये थे कुछ 5 साइन जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि यूनिवर्स क्या आपको टेस्ट कर रहे हैं, कि आपका ये टेस्टिंग पीरियड है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही ज़्यादा पीक पर कभी कभार होती है, जिसकी वजह से लोग जो है ना डरने लग जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बीच में से ही छोड़कर चले जाते हैं। क्यों छोड़ कर चले जाते हैं? क्योंकि उनके पास आधी अधूरी नॉलेज होती है। उनको ये लगने लगता है कि यार हमने तो इतनी प्यारी सी चीज़ को करा है, लेकिन इसको जब से मैं ये करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, मेरे काम बनने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। सो इसीलिए मैंने आज का जो ये टॉपिक था वो रखा कि आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट में पास हो, फेल मत होना, क्योंकि यूनिवर्स आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आप अपने आप से करते हो। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।